विधान का मजाक उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का भी मजाक उड़ा रहे हैं और हरदोई की जनता के भरोसे का कत्ल कर रहे हैं। तो इसी एनआरसी को लेकर देश प्रदेश भर में हुए हिंसक वारदातों के बाद बीजेपी के नेता जागरूकता रैली और मानव श्रृंखला बनाकर जन जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में कासगंज में बीजेपी नेताओं और स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर जन जागरूकता किया। शहर के सारे गेट अंबेदकर पार्क से प्रभु पार्क तक बनाई गई है। मानव श्रृंखला में शहर के आधार दर्शन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सीए समर्थन कार्यक्रम में सहभागिता की और दौरान छात्र छात्राओं के हाथों में लिखी हुई तख्तियों के माध्यम से संदेश भी दिया गया। सीए कानून देश हित में है। वहीं दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश चौहान भी मौजूद रहे। जैसा कि आपको मालूम है, सीए के खिलाफ पूरे देश के अंदर विरोधी पार्टियों ने बहुत किया था उसकी पोल खोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपने कार्यक्रम लागू कर रही है। उसी के तहत आज यहाँ मानव श्रृंखला बनाकर ये संदेश दिया जा रहा है कि देश में, समाज हित में और हम सब